चॉकलेट मेकिंग प्रोसेस। खाने पीने की चीजों में बच्चों की पहली पसंद की अगर बात करें तो एक ही नाम आता है और वो है चॉकलेट का। वैसे चॉकलेट बड़ों को भी बहुत पसंद होती है, खास तौर से लड़कियों की तो फेवरेट होती है। हमारे खाने का एक और फेमस इंग्रेडिएंट है चीज, जो अक्सर पिज्जा वगैरह में टॉपिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और बड़े चाव से खाया जाता है। क्या आप इनकी मेकिंग प्रोसेस के बारे में कुछ जानते हैं? अगर आपके पास कोई नॉलेज हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और आज के इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं खाने पीने की कुछ ऐसी फेमस चीजों की मेकिंग प्रोसेस, जिन्हें देखने के बाद आप जान पाएंगे कि ये टेस्टी और हेल्दी होने के साथ साथ सेफ भी होते हैं। आइए जानते हैं कैसे बनते हैं ये टेस्टी प्रोडक्ट्स। नंबर वन, चीज मेकिंग प्रोसेस। खाने पीने की चीजों में अगर चीज को मिला दिया जाए तो टेस्ट और हेल्थ कई गुना बढ़ जाता है। लोग अक्सर चीज की टॉपिंग वाले पिज्जा को बड़े चाव से खाते हैं और एक्स्ट्रा चीज की मांग भी करते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ये चीज बनता कैसे है। चीज को बनाने के लिए खास तरह की गाय का दूध निकाला जाता है, दूध मशीनों से निकाला जाता है और फिर उस दूध को लाकर फैक्ट्री में बड़े से कंटेनर में रखा जाता है। इस कंटेनर में दूध को पाश्चराइज करते हैं ताकि दूध के सारे कीटाणु मर जाएं। इसके बाद इसे एक स्लो रोटेटर में रखते हैं जिससे इसका पानी निकल जाता है। फिर इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है, इसका पूरा पानी निकल जाता है। इसके बाद इसे अलग अलग हिस्सों में काट दिया जाता है। फिर की जाती है इस चीज की टेस्टिंग। टेस्टिंग में पास होने के बाद इसे ग्राइंडर में पीसते हैं। इसके बाद कंप्रेसर मशीन में डालते हैं जहां वजन के अकॉर्डिंग इसे प्रेस किया जाता है। फिर एक बार फिर इस चीज को डिफरेंट साइज में कट करके पैक करते हैं। इसके बाद आपका चीज रेडी है मार्केट में आने के लिए। नंबर दो, टोमेटो केचप मेकिंग प्रोसेस। इसके लिए खेत में एक विशेष प्रकार की मशीन से टमाटर की कटिंग की जाती है। इस मशीन में टमाटर अलग हो जाते हैं और उसकी जड़ और पत्ती अलग हो जाती है। इसे काटने के लिए मशीन में एक कटिंग करने वाली प्लेट होती है जो टमाटर को अलग करती जाती है। ये टमाटर के पौधे की जड़ और पत्तों को अलग करती जाती है। इसके बाद टमाटर को एक बड़े से कंटेनर में कलेक्ट करते हैं, फिर ले आते हैं इसे फैक्ट्री में। फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले टमाटर को साफ पानी से धोते हैं। इसके बाद टमाटर की छटनी की जाती है, हाथ से टमाटर को छांटते हैं। इसके बाद इसे कन्वेयर बेल्ट में डाला जाता है। कन्वेयर बेल्ट में छोटे साइज के टमाटर अलग हो जाते हैं और बड़े साइज के टमाटर आगे बढ़ जाते हैं। इन छोटे साइज के टमाटर का जूस बना लिया जाता है। सभी बड़े टमाटर को एक बार फिर कन्वेयर बेल्ट से गुजारते हैं जहां 60 कैमरों से टमाटर की क्वालिटी की निगरानी की जाती है। साथ ही वहां पर कर्मचारी भी खड़े होते हैं जो इनमें से खराब टमाटरों को अलग करते हैं। इस प्रकार आपके टोमेटो केचप के लिए नंबर वन क्वालिटी के टमाटर अलग हो जाते हैं। फिर इन टमाटर को लेकर गर्म पानी में डाला जाता है, इससे इनका छिलका उतर जाता है। फिर उस टमाटर को एक बड़ी ग्राइंडर मशीन में डालते हैं और इसमें दूसरे पदार्थ मिलाते हैं। इसके बाद इस टोमेटो केचप की पैकिंग कर बाजार में भेज दिया जाता है। नंबर तीन, पिज्जा मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले पिज्जा का बेस तैयार किया जाता है और इस तैयार बेस को प्रेस करके गोलाकार बना दिया जाता है। फिर इसके ऊपर मशीन से सॉस गिराया जाता है, उस सॉस को मशीन से ही फैलाया भी जाता है। इसके बाद इसमें चीज की टॉपिंग मिलाई जाती है, उसके साथ दूसरे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। इसके बाद इस पिज्जा को 20 मिनट के लिए ओवन में पकने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे निकलने के बाद इसकी कटिंग करके पैक किया जाता है। लीजिए, आपका पिज्जा आपके हाथों में आने के लिए तैयार है। नंबर चार, पान मसाला मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले पेड़ों से बीटल नट यानी सुपारी को तोड़ा जाता है। ये पान मसाले का सबसे खास इंग्रेडिएंट है। सुपारी को तोड़ने के बाद उसे छीला जाता है और छील कर सुखाया जाता है। बीटल नट्स में प्रॉपर ड्राइनेस आने के बाद उसे रंगीन पानी में उबाला जाता है। उबालने के लिए उन्हीं बीटल नट्स के छिलकों का इस्तेमाल किया जाता है, इससे कि सुपारी में एक फ्लेवर बना रहता है। इसके बाद इसमें कत्था और दूसरी चीजें मिलाई जाती हैं। इसके टेस्ट को लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए इसमें पैराफिन वैक्स मिलाया जाता है। ये वही मैटर है जो कि फलों को लंबे समय तक ताजा रखता है, लेकिन इसके ज्यादा और लगातार इस्तेमाल से लोगों को कैंसर हो जाता है। इसके बावजूद पान मसाले के कारोबार का सालाना टर्नओवर अरबों खरबों रुपए का है। दोस्तों, लोगों के पान मसाला खाने के शौक के बारे में आपका क्या सोचना है?
अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नंबर 5, रोटी मेकिंग प्रोसेस। हम बात कर रहे हैं बड़े पैमाने पर बनने वाली रोटियों की। फैक्ट्री के कंटेनर में सबसे पहले आटा और पानी मिलाकर उसे मिक्स किया जाता है, यानी आटे को गूंथा जाता है। इसके बाद आटे को प्रॉपर साइज में काटा जाता है और फिर इसकी गोल रोटियां मशीन में बेली जाती हैं। हालांकि कुछ मशीन ऐसी भी होती हैं जो सारे आटे को एक साथ प्रेस करती हैं और उसके साथ उसकी गोल कटिंग भी करती हैं। दोनों ही सूरतों में एक ही साइज की गोल रोटियां निकलती हैं। इसके बाद इन रोटियों को कन्वेयर बेल्ट में डालकर सेंकने के लिए गैस के ऊपर से गुजारा जाता है, जहाँ ये रोटियाँ सिक कर बाहर आ जाती हैं। बड़े बड़े मंदिरों में जहाँ हर रोज हजारों श्रद्धालुओं को भोजन कराया जाता है, वहाँ रोटियाँ फैक्ट्रियों में मशीनों से बनाई जाती हैं। शिरडी के साईं बाबा के शिरडी धाम में हर रोज हजारों भक्तों को भोजन कराया जाता है और यहाँ रोटियाँ मशीनों के माध्यम से बनाई जाती हैं। नंबर 6, पास्ता फैक्ट्री। आज की यंग जनरेशन की फेवरेट चीजों में से पास्ता एक अहम फूड आइटम है। डिफरेंट साइज और डिजाइन में बिकने वाला ये पास्ता बनने के बाद और भी टेस्टी हो जाता है। आइए जानते हैं कि पास्ता बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले गेहूं को ग्राइंडर में पीसा जाता है और इसे पीसने के बाद इसमें पानी डालकर दूसरी और भी चीजें मिलाई जाती हैं। पर्याप्त गाढ़ा होने पर इसे सांचे में डाल दिया जाता है। फिर सांचे को ऊपर से प्रेस किया जाता है। नीचे डिफरेंट डिजाइन के पास्ता निकलते हैं। मशीन के नीचे कटर लगा होता है जो अलग अलग साइज में पास्ता की कटिंग करता चला जाता है। बाद में इन्हें सुखा लिया जाता है और सुखाने के बाद पैक करके मार्केट में सेलिंग के लिए भेजा जाता है। नंबर 7, चॉकलेट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, साउथ अमेरिका और अफ्रीका में एक कोको बीन नाम का फल पाया जाता है। इस फल के पक जाने पर इसके बीज निकालते हैं और इन्हें ही कोको बीज कहते हैं। इसके बाद इन बीजों को सुखाया जाता है। जब इसमें से नमी गायब हो जाती है, इसके बाद इन्हें भूना जाता है और प्रॉपर रोस्ट हो जाने के बाद इन्हें मल्टी ग्राइंडर में डालकर पीसा जाता है। पाउडर फॉर्म में आने के बाद इसमें शक्कर और कई चीजें मिलाई जाती हैं। इसके बारे में पतला करने के लिए दो कन्वेयर बेल्ट के बीच एक बहुत ही पतली सी जगह से गुजारा जाता है। इसे साफ रखने के लिए इसमें कई तरह के हर्ब्स और ऑयल भी मिलाते हैं। इसके बाद चॉकलेट को मोल्ड्स में डालकर फ्रीजर में रख देते हैं, जहाँ से फिर इन्हें पैकिंग के लिए भेजा जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ फूड आइटम्स के मेकिंग प्रोसेस। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।